खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने बुधवार ओखलेश्वर स्थित सिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके बड़वा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। भीषण गर्मी में भी प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामों में पहुंचकर नुक्कड़ सभाएं की। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 47 डिग्री के तापमान में भी हजारों कार्यकर्ता एक सैनिक की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताने और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए डटकर लगे हुए हैं। अब तो पूरा देश मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से रूबरू होकर श्री चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान है, वहां बोर्ड लगा हुआ है कि आओ हम झूठ बेचते हैं। कांग्रेस ये झूठ की दुकान है, बोर्ड लगा हुआ है वहां, आओ जी हम झूठ बेचते हैं। इन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में करेंगे, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक किसी का कर्जा माफ होकर उसको नोटिस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इनके मंत्रियों ने झूठे प्रमाण पत्र उड़ाते हैं। आज भी सत्ता का दुरुपयोग कर ये प्रमाण पत्र समितियों से, प्रशासकों से बंटवा रहे हैं। और वो जब जिसको प्रमाण पत्र मिल रहा है और वो सोसाइटी में जा रहा है, बैंक में जा रहा है कि मेरे को नो ड्यूज सर्टिफिकेट दीजिए, तो सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि हम दे नहीं सकते, तुम्हारे खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन जिले के बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।